Good morning students, welcome to the tuition corner. Or as today we are going to start our new chapter that is Principles of Management. And in this chapter, this chapter is very important: Principles of Management, because we are going to study generally cover karenge, Henry Fuel's 14 principles of management and then scientific management by Taylor. So, first we will start with

जब काम होता था ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कोई कोऑपरेशन नहीं था कोई फंक्शंस नहीं थे जो आज हम पढ़ रहे हैं इट वाज टोटल केस एंड एनाकी काम कैसे होना है कौन क्या काम करेगा कुछ नहीं पता था दिस गाय हेनरी फेयोल, ही स्टडीड द टास्क द वर्क हाउ द एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं क्यों गलतियाँ होती हैं क्या कमियाँ हो रही हैं क्यों टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं उसके बेसिस पे उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए जो आज भी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किए जाते हैं टाइम टू टाइम उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहीं पे आप उसको कम करते हैं कहीं पे ज़्यादा करते हैं डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल नंबर फाइव स्टेज डिवीजन ऑफ वर्क ना डिवीज़न ऑफ वर्क डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है काम का बंटवारा आई एम वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम एक्सप्लेनिंग इट काम का बंटवारे का क्या मतलब है लेट से आई होप यू आर अवेयर दैट वर्क जो होता है वो बहुत सारे टास्क से बनता है एक वर्क है सपोज एग्जामिनेशन है वो एक वर्क है अब उसमें छोटे छोटे बहुत टास्क होंगे कोई कंप्यूटर पे काम करेगा कोई फाइलिंग करेगा कोई डेटा इकट्ठा करेगा कोई मार्क्स चढ़ाएगा वो सब टास्क हैं वो अगर आप एक आदमी को दोगे तो वो अकेला काम नहीं कर सकता है इट हैज टू बी एलोकेटेड इट हैज टू बी डिवाइडेड आपके स्कूल में आपने देखा होगा एग्जामिनेशन हुआ और चीज़ें हुई हेड किसी एक को बनाते हैं लेकिन उसके अंदर में पूरी टीम होती है वो टीम क्यों होती है दैट इज डिविजन ऑफ वर्क वो जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड होगा कॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड हिज और हर स्किल्स देयर डिविजन ऑफ वर्क कम्स और जब वो काम करता रहेगा बार बार उसकी एक्सपर्टीज हो जाएंगी उसी काम में आपके स्कूल्स में कोई आर पी मेंटेन कर रहा होगा उसको पता है ई आर पी कहां से मैंटेन कर दी है स्टूडेंट्स का लॉगिन कहाँ है टीचर्स का लॉग इन कहाँ है कैसे उसको करना है डेटा बेस कैसे बनाना है उसका वही काम होगा ही स्पेशलाइज इन दैट उसको उस काम से नहीं हटाना चाहिए उसकी मास्ट्री होगी टीचर है वो टीचिंग का काम कर रहे हैं उनको कोई और लाइब्रेरी इज मेंटेनिंग द बुक्स इन दैट वे वी हैव डिविजन ऑफ वर्क सो ने कहा है कि वर्क का डिविजन होना चाहिए तभी आपका अच्छा काम निकल के आएगा नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके कोर्स में केस स्टडीज भी हैं और हम अलग से केस स्टडीज भी करेंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता रहूं डिवीजन ऑफ वर्क में अगर केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है हो सकता है लेट से एबीसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अजय इज वर्किंग देयर ही इज द हेड बट ही फाउंड दैट देर इज़ नो प्रॉपर वर्क टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं और वहाँ पे उसने दो ही लोगों को काम दिए हुए हैं दो लोग सारा चीज़ मैनेज कर रहे हैं दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन बाद में आपसे पूछा जाएगा विच प्रिंसिपल इज बींग वेटेड हीयर उसमें आपको आंसर में लिखना है दैट इज डिविजन ऑफ वर्क यानी वहाँ पे कोई डिविजन ऑफ वर्क नहीं है इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इट इज सेट दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड बाई हैंड एंड हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मीन्स दैट आपको जब कोई पावर दे दी जाए कि आप उस पावर का इस्तेमाल करिएगा फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ आप अपनी क्लास के मॉनिटर हो और आपकी क्लास टीचर ने कहा है लेट से योर नेम इज़ अजय और संजय वॉट एवर संजय यू आर द मोनिटर और आपको मुझे बच्चों के नाम देने हैं जो शोर करते हैं आप उन्हें डांट सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी बात नहीं मानते हैं आपने कहा यस अब वो आपको अथॉरिटी होगी है अथॉरिटी का मतलब क्या पावर अब आपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया कीप कीपक शडा अब मैं मैडम को नाम दे दूंगा मैं बता दूंगा यू आर नोटिंग द नेम्स एंड यू आर डूइंग इट लेकिन हो सकता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अथॉरिटी के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी दी गई होगी मॉनिटर को यह कहा गया होगा डेली आप जो होमवर्क है आप वो बच्चों को नोट कराएंगे आप बच्चों की प्रॉब्लम्स लेंगे बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है वो हर टीचर से डिस्कस करेंगे हो सकता है वो आप नहीं कर रहे हो आप सिर्फ अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज कर रहे हो जो कि गलत है इसका मतलब है टू मच ऑफ अथॉरिटी विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यूजलेस इट शुड नॉट हैपन ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ऐसा होता है दैट अथॉरिटेटिव बॉस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो पूरा नहीं करते हैं वह सिर्फ डंडे का इस्तेमाल करते हैं दैट इज वेरी बैड ऑन द अदर हैंड वैसे वो ऐसा अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और अथॉरिटी आपको कुछ नहीं है तो भी वहां पर काम नहीं होगा आप परेशान हो जाओगे <coughs> क्या हो सकता है मैं आपका मॉनिटर वाला ही एग्जाम्पल दूंगा आपको बहुत सारे आप काम कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी जाके बता रहे हो क्लास में वो भी बता रहे हो लेकिन आपको ये कहा है टीचर ने किसी स्टूडेंट को मत डांटना सबसे प्यार से बात करना आप कहोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है मेरी कोई बात ही नहीं सुनता सब आप मुझे कहते हो डांटना नहीं है नाम नोट नहीं करने हैं किसी का नेगेटिव नहीं बोलना है दैट ऐसा नहीं चलेगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी देनी पड़ेगी और अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक बैलेंस्ड होना चाहिए नाउ आपका केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन आ सकता है मिस्टर रमेश और मिस्टर सो एंड सो ही इज वर्किंग एज द मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज ही हैज बीन गिवन अ पर्टिकुलर टास्क टू बी कंप्लीटेड इन वन मंथ लेट से इज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट ही इज फेड अप विद एम्प्लॉयज कोई उनकी बात नहीं सुनता है उन्होंने ऊपर मैनेजमेंट से कहा है ही हैज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट दैट सर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि मुझे वो रूल या अधिकार नहीं है क्वेश्चन हो सकता है यहां पे विच प्रिंसिपल इज बींग वॉलेटेड या किस प्रिंसिपल की बात हो रही है तो दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेटली विल डू के स्टडीज आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हाउ द क्वेश्चन कैन कम नेक्स्ट इज डिसिप्लिन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर डिसिप्लिन का मतलब जनरली क्या होता है कुछ रूल्स कुछ कायदे कानून टाइमिंग्स को लेके पंक्चुअलिटी को लेके लंच टाइम को लेके और चीजों को लेके कोई कुछ एग्रीमेंट हुआ है वो इम्प्लीमेंट करना है कुछ डिसीजन मेकिंग हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फेऑल सेट दैट इफ देर इज नो डिसिप्लिन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट टू फंक्शन और द पीपल टू ओबे एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है लेट से दे हैज़ बीन सम एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स या आपके बॉस में और कुछ एम्प्लॉयज़ में कुछ एग्रीमेंट uh, हुआ है कि सर अगर हमारी इतनी सैलरी बढ़ेगी तो हम इतना काम होगा ऐसा हम करेंगे अगर ऐसा होता है तो जनरली वॉट एपेंस लेट से क्वेश्चन कैन बी दैट देर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट दैट वंस यू गिव आज द बोनस वी विल डू दिस टास्क बट द मैनेजमेंट रिफ्यूज द डिड नॉट गिव दोनस बोनस विश

आपको अगर ऑर्डर देने वाले तीन चार लोग हो जाएंगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या करना और कैसे होगा कन्फ्यूजन हो जाएगा मिस्टर गुप्ता है सेट समथिंग टू यू मिस्टर शर्मा है सेट समथिंग टू यू मिस्टर अग्रवाल है सम सेट समथिंग टू यू दे ऑल आर सीनियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन नाउ यू विल बी कंफ्यूज मैं किसकी बात मानूँ अग्रवाल जी की बात नहीं माने गुप्ता जी नाराज गुप्ता जी की बात नहीं माने ये वो नाराज दैट इज दैट इज दैट शुड नॉट हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू शुड हैव वन बॉस लेट्स से योर हैज क्लियर कट मिस्टर गुप्ता सो व्हाट मिस्टर गुप्ता विल से आप वही फॉलो करोगे अगर अग्रवाल जी कुछ करवाना चाहते हैं तो आप ये कहोगे सर आप गुप्ता जी से बोलिए वो मुझे कहेंगे तो मैं ये काम करूंगा क्वेश्चन <coughs> कैसे आ सकता है यूनिटी ऑफ कमांड का क्वेश्चन आ सकता है मिस्टर अजय इज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एज एन एग्जीक्यूटिव एंड ही हैज़ बीन टोल्ड बाय द सीनियर इंजीनियर टू पैक सो मैनी लॉट्स इतने लॉट्स पैक करने जो बैंगलोर जाएंगे बट आफ्टर सम टाइम द नेक्स्ट डे मिस्टर सो एंड सो ऑर्डर्ड मिस्टर अजय नो यू हैव हैव टू टू पैक नॉट 500 यू हैन थाउजेंड लॉट्स सो ही इज कंफ्यूज नाउ वॉट टू डू अकॉर्डिंग टू यू विच प्रिंसिपल इज बींगटेड सो वॉट विल से यूनिटी ऑफ कमांड नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नाउ यूनिटी ऑफ़ डायरेक्शन जनरली मीन्स दैट देर हैजू बी वन प्रॉपर डायरेक्शन फॉर द एम्प्लॉइज वो एक यूनिट हो सकती है वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है और उसी के हिसाब से आपका जो सीनियर बॉस होगा वो जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको चैनलाइज करेगा ताकि आपकी जो एफर्ट्स और एनर्जी है वो कॉमन सबकी एक जगह पर हो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन एक दिशा में चलना है ऐसा नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट में इफ देर आर 35 पीपल वर्किंग 35 पीपल आर वर्किंग ऑल इन डिफरेंट डायरेक्शन तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है एक डायरेक्शन पूरे डिपार्टमेंट की होनी चाहिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है दैट इन सो डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट मिस्टर पी के गोयल इज द फाइनेंस मैनेजर And there are 25 employees working in the finance department, but he is not happy with their performance as all of them are following different rules and they are following different ways to work. And when the management asked them, they said that we have not been told about anything clear cut. So, what is being done here? Missing is unity of direction. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ऑल दो ऑल द फोर्टीन आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस प्रिंसिपल से सबऑर्डिनेशन सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हित सबसे बड़ा है बाकी हित सब उसके बाद में है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कोई मैटर नहीं करता है इट इज द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट Outside the organization, you may have differences with the employees, you may have differences of opinion with others. But once you have entered the organization, you are working for the organization. So आपको अपने personal हित के लिए काम नहीं करना है, आपको किसके लिए काम करना है? Organization के लिए काम करना है। So it is the organizational interest which is the most important. कैसे question आ सकता है इसमें? Case study में आ सकता है?

Further points and further principles we will cover in the next video. Hope you like this. If you like it, please subscribe and share it. Thank you.